नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया की खास पेशकश रन बांकुरे में। आइए आज बात करते हैं देश के वीर सपूत कैप्टन सौरभ कालिया की। 26 जुलाई को विजय दिवस है, यानी कारगिल में पाकिस्तान पर भारत की विजय का दिन। इस दिन हम अपने जवानों की वीरता का जश्न मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। लेकिन इस जश्न के पीछे कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बेइंतहा कष्ट झेलते हुए अपनी कुर्बानी दी। इन जवानों में एक जवान है कैप्टन सौरभ कालिया, जिनके साथ पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की सारी हदें तोड़ दी थी। कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम के साथ ऐसी हैवानियत की गई थी जिसकी कल्पना करके भी किसी का रोंगटा कांप जाए। कैप्टन सौरभ ही वो पहले सपूत थे जिन्होंने कारगिल की जंग शुरू होने से पहले ही देश के लिए अपनी सर्वोच्च शहादत दे दी थी। दरअसल कैप्टन सौरभ कालिया ने कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की बड़ी घुसपैठ का सामना किया था। 5 मई 1999 को कैप्टन कालिया और उनके 5 साथी नरेश सिंह, भीकाराम, बनवारी लाल, मूला राम और अर्जुन राम को पाकिस्तानी फौजियों ने बंदी बना लिया था। 20 दिन बाद वहां से भारतीय जवानों के शव वापस आए तो ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि भारतीय जवानों के साथ पाकिस्तानी सेना ने बेरहमी की थी। बता दे, उन्हें सिगरेट से जलाया गया था, उनके कानों में लोहे की सुलगती छड़े घुसेड़ी थी, आंखें निकाल ली गई, निजी अंग काट दिए गए और फिर गले काट दिए गए थे। कैप्टन सौरभ ने ही सबसे पहले कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी भारतीय सेना को दी थी। सौरभ कालिया 4 जाट रेजिमेंट के आर्मी ऑफिसर थे। दुश्मनों को खदेड़ने के लिए कैप्टन सौरभ अपने 5 साथियों के साथ नियंत्रण रेखा पार कर काफी आगे चले गए थे। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथ 5 अन्य भारतीय जवान पेट्रोलिंग के लिए गए थे। सौरभ और उनके साथियों पर हुए अमानवीय सलूक के कारण उनकी मौत हो गई थी। इनकी हत्या करने के बाद पाकिस्तान ने लाशें भारतीय सीमा में फेंक दी थी और वो आज भी इस हत्या से मुंह फेरता है। इनके शव को जब पाकिस्तान ने भारत भेजा तो परिवार और देश इनके शव को देखकर दहल गया। तब से लेकर आज तक परिवार पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ICJ में जाना व्यवहारिक नहीं है। सौरभ कालिया और उनके किसी साथी को वीरता का कोई पदक नहीं मिला। सौरभ लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के बाद अपना पहला वेतन भी नहीं ले पाए थे। आखिरी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं दुश्मन को हरा कर और अपना वेतन लेकर घर आऊंगा और तब हम पार्टी करेंगे। सौरभ कालिया का घर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में है, जहां उनके पिता नरेंद्र कुमार कालिया और माँ विजया रहती हैं। माँ को तो बेटे की मौत की खबर सुनते ही दिल का दौरा पड़ गया था और उन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।